ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट की मुझे आदत नहीं है सुहास। आदत डाल दो पिया। You're gonna be Suhas Tandon's wife. Where's the bill, man? I'll be back, huh? स्पीच तुमने चेंज की थी? झूठ मत बोलना। हाँ। तुम्हें डैड से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उनके नाम का इन्वर्टर बना रहा हूँ। ये देखो। अरे तोड़ दिया। क्यों मेरे डैड के पीछे पड़े हो? हाँ? क्योंकि वो कॉलेज नहीं फैक्ट्री चला रहे हैं, जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। वो देखो, वो तुम्हारा गधा। How dare you call him a गधा? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद MBA किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? ऐसे गधों के लिए लाइफ सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है। तुम में प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ है। डायरेक्टर की बेटी हो, डॉक्टर बनने वाली हो, उसकी इमेज के लिए अच्छा है वगैरह वगैरह, उसको तुमसे कोई लगाव नहीं है? और तुम समझते क्या हुआ अपने आप को? क्या मतलब सुहास को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? अरे ओ नहीं घड़ी ली, एक मिनट पकड़ना। तुमको क्या हर वक्त डेमो दिखाना पड़ता है? ए सुहास, कहाँ थी? I've been looking for you. घड़ी गुम गई उसकी यार, ढूंढ रही बेचारी। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना। अरे 4 लाख की थी। 4 लाख? मेरी तो 250 की यार, लेकिन टाइम वही बताती। Shut up! How could you be so careless, Pia? This callous attitude is disgusting. It's disrespectful. But that was a limited edition watch you just lost. Free में मिली तो बस, अब डिनर पे पहनना वो तुम्हारी 18th सेंचुरी की घड़ी। क्या? क्या घूर रहे हो? लो, लो, अब रोना शुरू। Real mature, Pia. I can't handle this. अब रोना बंद करो और ढूंढो। कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए। गधे। तो सॉलिड हो यार, उसको मुंह पे गधा बोल दिया। हाँ? Get lost. यार बहुत शोर है ना यहाँ पे। हाँ। मुझे थैंक यू बोल रही है, मुझे गेट लॉस सुनाई दे। गेट लॉस ही बोला। अरे इतना क्या भड़क रही हो? तुम्हें पता है एक्चुअली तुम्हें भी कभी उसके साथ प्यार था ही नहीं। What do you mean? मतलब ये कि जब वो तुम्हारे सामने आता है तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हवाएं चलने लगी, स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लगा है, या आसमान में चांद कुछ ज्यादा बड़ा हो गया? ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। अरे नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। इंसानों के साथ प्यार करोगे तो होगा, गधों के साथ नहीं होता। हेलो या क्या? ओ गॉड, ओके ओके मैं आता हूँ। या बाय बाय। हे तू मेडिकल स्टूडेंट हो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज प्लीज। व्हाट? मेरे साथ चलो प्लीज। अरे यार तुम डॉक्टर लोग क्या कसम खाते हो कि कभी पेशेंट को ना नहीं बोलेंगे? क्या बोलते हो उसको, हिपोक्रेटिक ओथ? हाँ यार मेरी हेल्प करो यार, इट्स एन इमरजेंसी प्लीज। तुम मेरी बहन की शादी में घुसा है, मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी, यार तुम्हारी वजह से बीपी की गोलियां खा रहे हैं और मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ? अनबिलीवेबल। ये वो गाड़ी थी तुम्हें, साले ने लगा दी डॉक्टरों की। आंटी राजू का एक्सीडेंट गया बेटा, एम्बुलेंस को 2 घंटे पहले फोन किया था। अजीब देश है हमारा, पिज्जा 30 मिनट में पहुंचने की गारंटी है लेकिन एम्बुलेंस? हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा अर्जेंटली। पेशेंट, ये तो रखता है राजू। कभी नहीं, बाबा को स्कूटर पे ले आया। तो क्या स्पीड पोस्ट से भेजता? बाबा के प्रोफेशन में नहीं जाने का, कहाँ है बाबा का है? अरे डॉक्टर से पूछ, क्लोज कॉल पिया,
दो ढाई मिनट और देर हो जाती तो वी हैव लॉस्ट हिम। अच्छा क्या जो एम्बुलेंस के लिए वेट नहीं किया, स्कूटर पर ले आई। अच्छा मैं भी चलता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। ओके बाय। रंजू थैंक यू यार। साले दोस्त को थैंक यू बोलता है, वो साइलेंसर तुझे मैंने सिखा रहा है। उसने तो ये नहीं बताया कि दोस्ती इंसान का सबसे बड़ा स्तन होता है। चलो चलो अब चलो, कल एग्जाम है ना तुम लोगों का। अरे एग्जाम तो बहुत होते हैं, बाप मोस्टली एक ही होता है। अब तो पोस्ट मास्टर साहब को साथ लेके ही जाएंगे, फिगर नॉट। डर गया था। बस 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 चुप, मुझे माफ कर दे। बस चुप जा, बाबा को मिल ले और ऐसी रोती शक्ल मत लेके जा। हाँ स्कूटर तो आज जान बचा दी है। अच्छी है, कितने की है? चटनी डाल के देखो, शायद बता दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आज 15 अगस्त नहीं है। तुम्हारे लिए तो है, अब तुम जब चाहो अपनी माँ की घड़ी पहन सकती हो। कोई नहीं बोलेगा कि 18 सेंचुरी की घड़ी क्यों पहनी है। हे तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी माँ की घड़ी थी? बहन की शादी में लड़की ऊपर से नीचे तक बंठन के हो, सिर्फ हाथ में घड़ी पुरानी हो, क्या मतलब होता है? उस दिन तुम अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी ना? हाँ। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत रही होंगी ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता? अपने बाप को देखा। Life is a race. If you don't run fast, you'll be like a broken anda. Or the cuckoo bird. हेलो उठो। क्या क्या अंकल ऑफ हो गए क्या? क्या नहीं स्टूपिड, 8:30 बज गए, 9 बजे एग्जाम से जाना नहीं है क्या? अरे यार उनको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकते? मैं हूँ यहाँ, डॉक्टर्स है, 3 घंटे की तो बात है। चलो मेरा स्कूटर लेकर जाओ इनको, कम ऑन इट्स गेटिंग लेट। क्या पुरानी घड़ी पहन रखी है। Sir, they're still writing. Hello, time up. Sir, 5 मिनट सर, हम आधा घंटा लेट आए थे। It is an emergency, sir. Please, please. Examiner ने हमें ऐसे देखा जैसे हमने उसकी दोनों किडनीज मांग ली हो। हम फिर भी लिखते रहे और वो पेपर्स को रोल नंबर से अरेंज करने में बिजी हो गया। आप लेट हो गए, मैं नहीं ले सकते। सर प्लीज सर। सर आप जानते हैं हम कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है तो अरे तुम्हारा रोल नंबर क्या है? किधर है वो पेपर? आज रिजल्ट्स लगने वाले थे। डरे सहमे सब भगवान के साथ डील स्ट्राइक करने में लगे थे। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ूंगा। नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज 1 लीटर दूध भिजवाऊंगा। हे गौ माता बस ब,
बस पास से मार्क्स दिला देना। भगवान, मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। भगवान भगवान, मैं 100 रुपए पर मन चढ़ाऊंगा भगवान, पक्का भगवान, प्रॉमिस। 100 रुपए में तो आजकल ट्रैफिक हवलदार भी नहीं मानते, भगवान क्या खाक बिकने वाले थे। चेकर, चेकर, नीचे से चेकर, नीचे से चेकर। तेरा है यार लास्ट। और तेरा? सेकंड लास्ट। रंचू? नहीं है यार। दिल बैठ गया, इसलिए नहीं कि हम लास्ट थे, पर इसलिए कि हमारा दोस्त फेल हो गया था। साला ये साइलेंसर इतना चिल्ला क्यों रहा है यार? सेकंड आया। साला फर्स्ट कौन आया? रैंचो। रैंचो साला हट है, हट है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। रणछोड़ दास चांचर, फर्स्ट रो राइट ऑफ द डायरेक्टर उदय सिन्हा, सेकंड रो थर्ड सीट आलोक मित्तल, सेकंड रो फिफ्थ सीट शाइनी राव। सर ये रैंक के हिसाब से बैठना जरूरी है सर? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता है कोई कास्ट सिस्टम है, ए ग्रेड स्टूडेंट्स बादशाह, सी ग्रेड स्टूडेंट्स गुलाम। इट्स नॉट नाइस सर। तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय? हाँ है ना सर। सर रिजल्ट जो है ना वो नोटिस बोर्ड पे लगाना नहीं चाहिए सर। किसी की कमियाँ किसी की खामियाँ हम क्यों खुलेआम सबके सामने पेश करें? अभी सर अगर आपके ब्लड टेस्ट में हेमोग्लोबिन कम निकले तो डॉक्टर आपको टॉनिक देगा या आपकी रिपोर्ट टीवी पे दिखाएगा। यू सी सर। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं वन बाय वन सबके रूम में जाऊँ और कान में रिजल्ट बोलूं। यू हैव कम फर्स्ट, आप सेकंड आए, ओ आई एम सो सॉरी आप फेल हो गए। नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन क्या है ग्रेड क्रिएट्स डिवाइड सर, डिवाइड। अभी देखिए मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मेरे दोस्त बेचारे लास्ट आए तो उनको पीछे डाल दिया कोने में। कम से कम कोने में बैठे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम फोटो से बाहर ही हो जाएंगे, ना पास होंगे ना कोई कंपनी उन्हें जॉब देगी। जॉब तो मिल जाएगा सर, कोई तो कंपनी होगी जो मशीनों को नहीं इंसानों को नौकरी दे। ऐसा नहीं सर, जॉब मिल जाएगा सर, आई गारंटी। यू गारंटी इट? यू गारंटी इट? बेट सर, बेट। गो इन। जी सर। उन दोनों में से एक को भी कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिले ना? हाँ। तो मेरी मुछ काट दे। ठीक है सर। सर हैप्पी? रेडी, स्माइल प्लीज। हैप्पी सर। कार क्या हॉर्न के नीचे अपना हॉर्न कवर कर रहा है साले? वो साले सेप्टिक टैंक फिर चुरन खाया तूने? आई डिडंट डू इट राजू। बहुत पुरानी पहचान है इन गर्म हवाओं से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही कमीना रिस्पॉन्सिबल है। आई कांट टेक इट। मैं पैंट खरीद के आता हूँ। छोड़ ना यार ये चतुर रामलिंगम का सूट का पैंट पहन ले। ए, डोंट यू टच माय सूट। छोड़ ना यार रैंचो, तेरे को बगैर पैंट का भी पहचान लेगा। ए, मिस्टर ये एड्रेस किधर है? भाई साहब इतना पढ़ा लिखा होता तो चने बेचता। इसको पढ़ना नहीं आता है। तेरे को बोलना तो आती है ना। भाई साहब, भाई साहब यहाँ शिमला में कोई रणछोड़ दास चांचड़ रहते कुछ? हाँ वो वहाँ रहते हैं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। डब्बा oh, कहाँ मिले? पॉकेट में था।
पैंट उतारो। क्या कर रहा है यार, लोग गलत इंटरप्रेट करेंगे पागल साले। ओए छोड़, आई वांट इट नाउ। रणछोड़दास से मिलना चाहते थे। मैं ही रणछोड़दास हूँ, कहिए। नहीं यार, रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़। रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ मैं ही हूँ, कहिए। रणछोड़ बेटा, अपना ध्यान रखना। यार मैं इतिहास में पहला आदमी हूँगा जो दिल्ली से शिमला तक अंडर एयर में आया और वो भी गलत आदमी से मिले। यार वही नाम, वही डिग्री और वही फोटो, लेकिन आदमी अलग। चक्कर क्या समझ नहीं आया। लेकिन ये साइलेंसर को रैंचो का एड्रेस मिला कहाँ से? हाँ ओ चतुर, इधर आ। ए, ए। How dare you open this? I got this from San Francisco. Handmade biscuit है। Especially for Mr. Funsuk Wangdu. Funsuk Bangdu? अब ये कौन है? अरे not Bangdu, Wangdu, W, Funsuk Wangdu. Do you know who that is? He's a great scientist, 400 patents. The world wants him. एक साल से चेस कर रहा हूँ, अब जाके मीटिंग फिक्स हुए है. You know, once he signs a deal with my company, I'll be huge, huge. अभी वांगडू की आती उतारना बंद कर और ये बता तेरे को रैंचो का ये एड्रेस मिला कहाँ से? You should be thanking Funsuk Wangdu. उसी की वजह से रैंचो का क्लू मिला। ये देखो, मेरी सेक्रेटरी ट्रेसी लास्ट मंथ यहाँ आई थी मिस्टर वांगडू से मीटिंग करने। ट्रेसी को फुनसुक का अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला, पर मुझे रैंचो मिल गया। मैंने शिमला की फोन डायरेक्टरी चेक की, उसमें नाम था छनछार रणछोड़दास। अबे तो शक्ल कैसे चेंज हो गई? तेरे आने की खबर सुन के प्लास्टिक सर्जरी करवा ली क्या? इसका जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है।